Brought to you by ITIL Series. उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों का कल यानी 14 फरवरी को पर्चा दाखिल करवाया और आज 8वां कैंडिडेट भी घोषित कर दिया है। बीजेपी ने संजय सेठ को अपना 8वां राज्यसभा उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो अब कुल 10 राज्यसभा सीटों में से 10वीं सीट पर खेला होना तय हो गया है। अब आप कहेंगे कि आखिर 10वीं सीट पर खेला कैसे होगा। दरअसल संख्या बल के हिसाब से भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। 14 फरवरी तक बीजेपी ने 7 उम्मीदवार बनाए थे जबकि सपा के 3 प्रत्याशी थे। इनमें से 9 सीटों का गणित तो सीधा है लेकिन आज यानी 15 फरवरी को बीजेपी ने 8वां प्रत्याशी उतार दिया जिससे एक सीट के समीकरण ने अब सपा की टेंशन बढ़ा दी है। अब संख्या बल के हिसाब से 7 सीटों पर भाजपा की जीत लगभग तय है जबकि 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जानी पक्की हैं। तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए सपा के पास मात्र 1 वोट की कमी है। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में विधायकों की संख्या 399 है जबकि 4 सीटें खाली हैं। राज्यसभा चुनाव इसी के आधार पर होगा। एक सीट के लिए करीब 37 वोटों की जरूरत है। बीजेपी के पास मौजूदा समय में 252 विधायक हैं। अपना दल सोनेलाल के 13, रालौद के 9, निषाद पार्टी के 6, सुबह सपा के 6 यानी सहयोगियों को मिलाकर ये संख्या 286 पहुंचती है। लेकिन 8वें उम्मीदवार को जिताने के लिए उसे फिर भी 10 वोट की दरकार है क्योंकि उनके पास इस हिसाब से 27 विधायक तो एक्स्ट्रा हैं, बस 10 कैंडिडेट और चाहिए 8वें के लिए। वहीं सपा की बात करें तो उसके विधायकों की संख्या 108 है। कांग्रेस के 2 विधायकों को जोड़ लें तो ये संख्या 110 पहुंच जाती है लेकिन तीसरा उम्मीदवार जिताने के लिए 1 वोट कम पड़ रहा है। अगर बीजेपी 8वां प्रत्याशी नहीं उतारती तो उसकी राह आसान हो जाती लेकिन बीजेपी ने सपा की राह पर बिछा दिया है टेंशन। आपको बता दें कि सपा ने जया बच्चन, मुख्य सचिव रहे आलोक रंजन और सपा महासचिव और दलित नेता रामजीलाल सुमन को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने आरपीएन सिंह, चौधरी तेजवीर सिंह, अमरपाल मौर्य, डॉक्टर संगीता बलवंत, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, साधना सिंह और नवीन जैन के बाद अब 8वां उम्मीदवार संजय सेठ को बना दिया है। इनमें से 4 पिछड़ी जाति से आते हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।